ट्यूब रोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। यह है एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है, सर्बिया के ऊपर बात करेंगे। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। एंड सर्बिया फिलहाल क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड एंड चाइना से, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यानी बिल्डिंग मटेरियल्स हार्डवेयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो सर्बिया को एक्सपोर्ट करना है, आपको एक राइट टाइम है सर्बिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। करीब पिछले 4-5 साल से सर्बिया में मैसिव बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहा है इन सर्बिया। और सर्बिया जो है उनका राजधानी का नाम है बेलग्रेड है, सर्बियन लोगों को सर्बियन कहा जाता है। और सर्बिया जो कंट्री है, इंडिया एंड सर्बिया के साथ अच्छे रिलेशन है पॉलिटिकली। और सर्बिया जो है इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ प्रदान करता था पिछले दो साल से, लेकिन काफ़ी सारे इंडियंस जो सर्बिया गए तो सर्बिया से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप को भाग गए, वहाँ से मतलब इलीगली चले गए। इसीलिए 2023 फर्स्ट जनवरी को सर्बिया ने वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ बंद किया इंडियन सिटीज़न को। दो साल पहले इंडियन सिटीज़न को इंडिया, गिनी बिसाऊ, बुरुंडी एंड आपका जो कंट्री है तुनिसिया, ये देश के लोगों को सर्बिया ने वीज़ा ऑन अराइवल का फैसिलिटी प्रदान करता था, लेकिन ये जो यहाँ के लोग हैं सिटीजन्स इंडिया, गिनी बिसाऊ, बुरुंडी एंड आपका तुनिसिया से काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट बनकर गए सर्बिया, और सर्बिया से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे यूरोपियन कंट्री को इलीगली चले गए। और इसके लिए सर्बिया के ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर आया यूरोपियन यूनियन से कि ये इलीगली इमिग्रेंट्स को बंद करो। तो आपको मालूम होगा जो सर्बिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है तो कौन है, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, हंगरी, कोसोवो, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, तो ऐसा बहुत सारे देश है जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है सर्बिया का, ठीक है। तो बुल्गारिया एंड रोमानिया ये ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स है। तो एक बार सर्बिया से सर्बिया से रोमानिया या हंगेरी या बुल्गारिया चले गए, फिर वहाँ से रोड के जरिए यूरोप में जाना काफ़ी ईजी है। इसलिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स इंडिया से और गिनी बिसाऊ, तुर्की एंड आपका जो बुरुंडी, तुनिसिया से सर्बिया गए, इलीगली घुस गए, इलीगली चले गए टू द यूरोपियन यूनियन। तो इसीलिए सर्बिया ने बंद किया इंडियन सिटीजन को। तो अगर आप सर्बिया जाना चाहते हो 1 जनवरी 2023 को, सर्बिया ने इंडियन को वीज़ा बंद कर दिया, ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया। फिलहाल अगर आगे सर्बिया आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप सर्बियन एम्बेसी न्यू दिल्ली से वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करके 30 डेज का टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। तो बात कर रहे थे हम सर्बिया को क्या एक्सपोर्ट करोगे, तो सर्बिया में करीब 5 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट काफ़ी चल रही है। तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स और आपको भेजना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपका जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स टू सर्बिया, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो सर्बिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है चाइना से एंड तुर्की से, ठीक है। तो अगर आप भारत से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप मटेरियल में क्या क्या करोगे, मटेरियल में आप कोल्ड रोल्ड स्टील फ्रेमिंग, ये फ्रेम जो कोल्ड रोल्ड स्टील फ्रेमिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्टील फ्रेमिंग सिस्टम्स और मेज़नाइन फ्लोर का जो फ्रेमिंग होता है वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, पोर्लिन एंड क्लैडिंग रेल्स, पोर्टेबल बिल्डिंग्स और फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, ये जो कंपनीज आप स्टील फ्रेम्स जो आते हैं फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स ऑफिसेस के लिए एंड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्टील फ्रेम्स होता है, तो ये मटेरियल्स में आप स्टील फ्रेम्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट एक्सपोर्ट कर सकते हो और कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक, मड ब्लॉक
रैम ड्रायर्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कन्वेयर सिस्टम जैसे कि जो आपका वर्टिकल ट्रांसपोर्ट डिवाइस में आता है, आपका जो एलिवेटर, लिफ्ट और एस्केलेटर होता है, ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप बड़े कंपनी हो, आप एलिवेटर या एस्केलेटर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू सर्बिया, और कंपोजिट्स, ठीक है, और थर्मल प्रोटेक्शन बिल्डिंग इंसुलेशन के लिए, थर्मल प्रोटेक्शन बिल्डिंग इंसुलेशन के लिए ये जो होता है, तो ये आपको एक्सपोर्ट आप कर सकते हो टू सर्बिया। और आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो आपका जो एसी पावर प्लग्स, सॉकेट्स, सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस वगैरह जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से प्रोडक्ट होता है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सीमेंट रेंडर, सिरामिक टाइल्स, टाइल्स, पेवर्स, मोजाइक, ये जो एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्लास्टर, जिप्सम बोर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्लोरिंग के लिए, फ्लोर के लिए आप वाइट प्लैंक, टेरोजो एंड कारपेट, मार्बल वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। वॉल कवरिंग, वॉल पेपर, ये सब एक्सपोर्ट कर सकते हो। पेंट, टाइप्स ऑफ पेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। वुड स्टेन और फॉक्स फिनिशिंग भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वुड फिनिशिंग भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो ग्लास प्रोडक्ट, जितने सारे ग्लास प्रोडक्ट होता है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वहाँ रेलवेज के लिए जो रेल का प्रोडक्ट होता है, जितने सारे वुड का और वुड का और स्टील का, एल्युमिनियम का, जितने सारे रेलवे लाइन में, रेलवे स्टेशन में यूज होता है, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू सर्बिया, ठीक है। एचवीएसी सिस्टम होता है, जो एचवीएसी का जो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, एचवीएसी के लिए भी आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होता है, वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका फायर सप्रेशन जो इक्विपमेंट होता है, फायर सप्रेशन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मेसनरी वर्क के लिए जो आर्टिफिशियल स्टोन वगैरह होता है, नक्सर ब्लॉक स्टोन, और आपका जो एडोफ ब्रिक वगैरह, और टाइप्स ऑफ ब्रिक अलग अलग, जो ग्लास ब्रिक होता है, टेराकोटा होता है, ब्रिक वर्क होता है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेटल्स में आप स्ट्रक्चरल स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेबर, ठीक है, और वायर रोप एंड केबल्स, मेटल जॉइस्ट, डेकिंग, फ्रेमिंग ट्रसेस, मेटल फैब्रिकेशन वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्लास्टिक्स बहुत जाता है, प्लास्टिक्स जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, प्लास्टिक्स और डोर्स एंड विंडोज फ्रेम, डोर्स एंड विंडोज का फ्रेम जो होता है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एल्युमिनियम का फ्रेम्स होता है, वुड का भी, ये एल्युमिनियम, स्टील एंड वुड का जितने सारे फ्रेम्स होता है, डोर्स एंड विंडोज के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्लम्बिंग फिक्सर इक्विपमेंट का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिल्डिंग सेफ्टी का इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स का जितने सारे प्रोडक्ट होता है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। और वुड कारपेंट्री का जितने सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल्स में जो बता दिया, ये प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू सर्बिया। फिलहाल सर्बिया में काफ़ी सारे इम्पोर्ट प्रोडक्ट हो रहा है, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, तुर्की से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए एशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला पहला कंट्री है, चाइना है फर्स्ट नंबर में, मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर है चाइना, सेकंड में आता है इंडिया, तुर्की भी थर्ड में आता है तुर्की, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्बिया तुर्की से इम्पोर्ट करता है। लेकिन तुर्की का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा आता है, तो भारत में इंडिया से आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप सर्बिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ज़्यादा करके स्पेशली आपको बता दिया हार्डवेयर प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल्स को आप भारत से सोर्स करके सर्बिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया, मैंने पहले वीडियोस बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया, तो आप YouTube में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, मेरा पुराने वाले वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं डिटेल्स में बता दिया, अगर आप हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्टर हो, या आप भारत के इंडिया के अंदर ही आप ट्रेडिंग करते हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो देख लीजिए और सर्बिया को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे आपको सर्बिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे पुराने वाले वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, और कैसे आपको अलग अलग देशों से
एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलना है तो अगर आपको कुछ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको हमारा असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको मदद करूँगा कैसे आपको अलग अलग देशों में जाकर मार्केटिंग करना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप स्टार्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट टू सर्बिया। ठीक है, और अगर आपको मेरा असिस्टेंस चाहिए सर्बिया एक्सपोर्ट करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।